हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी मनोहर को न्याय देने की मांग उठाई है। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल के अध्यक्ष लेखराज राणा ने हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने प्रांत सरकार से भी और केंद्र सरकार से दो मांग की है। प्रांत सरकार की अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं, जिनका एक गलत वक्तव्य भी आया था कि 97% हिंदुत्व की विचारधारा को हरा करके हम सरकार में आए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे जो जिहादी तत्व हैं उनको वो प्रोत्साहन देगा उनके वो वक्तव्य। लेकिन मैं आज उनसे मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्दी से जल्दी यह जो हत्यारे हैं इनको कठोर सजा दी जाए, और हम तो मांग करते हैं कि उनको फांसी दी जाए जल्दी से जल्दी, ताकि जो ऐसे जो एलिमेंट हैं उनको एक नसीहत मिले आगे के लिए भी। यही नहीं, मनोहर के परिवार को न्याय दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 19 और 20 जून को विश्व हिंदू परिषद रोष रैली निकालेगा। मंगलवार को तो विश्व हिंदू परिषद ने एक और निर्णय लिया है कि आने वाला यह जो 19 जून और 20 जून को सोमवार मंगलवार को पूरे प्रदेश के जो जिला उपायुक्त हैं हमारे, उनके माध्यम से हम लोग महामहिम जी को एक ज्ञापन देंगे ताकि इसकी जांच जल्दी से जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से निर्णय हो। वहीं मनोहर लाल हत्याकांड को लेकर हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया है। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य लोग हैं, इसको राजनीतिक रंग के साथ धार्मिक जो है रंग देकर हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में जो है इस किस्म के मतलब हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहते हैं। हिमाचल के लोगों को जो एक यहाँ पर लंबे अरसे से भाईचारे के साथ रह रहे हैं हर धर्म के लोग, उसमें भी जो है किसी के, अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इस किस्म के काम करने उन्होंने शुरू कर दिए। इससे पहले 16 जून को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर पीड़ित परिवार से मिलने चंबा जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद जयराम ठाकुर समेत बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता धरने पर बैठ गए और वहीं भजन कीर्तन किया। वहीं मनोहर लाल हत्याकांड में की जा रही कार्रवाई के बारे में चंबा के SP अभिषेक यादव ने जानकारी दी। पता है कि 9 तारीख को किहार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक मनोहर नाम की युवक की हत्या की। हत्या के तुरंत बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के दर्ज करने के बाद FSL की टीम ने विजिट किया, सारे साक्ष्य जुटाए गए और इस मामले में कुल अब तक 11 लोग पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं। और कोशिश हमारी यही है कि सारे सबूत जुटा के सारी आरोपियों की गिरफ्तारी करके हम इसमें जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर और पुख्ता चार्जशीट बना के कोर्ट में सबमिट करें। बता दें कि बीती 9 जून को हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनोहर लाल की नृशंस हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा हाई है। वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक इट प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इंडिया न्यूज़ TV फॉर मोर सच अपडेट्स।